अगर वो सिग्निफिकेंट आता है देन वी विल कॉन्टिन्यू डूइंग द टेस्टिंग. अब हमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स मीन्स का भी टेस्ट करना पड़ेगा. अगर ये सिग्निफिकेंट ना आता वी वुड हैव स्टॉप्ड द न्यू मैन्यूल्स टेस्ट ओवर हेयर ओनली एंड देन वी वुड हैव सेड कि कोई भी ट्रीटमेंट मीन्स सिग्निफिकेंट नहीं आए. बट बिकॉज इट हैज़ कम आउट टू बी सिग्निफिकेंट वील कॉन्टिन्यू इट विद द सेकेंड रेंज. सेकेंड रेंज 5 की है. सी ये डॉटेड लाइन आप देखें हेयर तो 5 5. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू क्या है 5.4 सॉरी 4.91. अब ऑब्वियसली ये जो 5 है इट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज ये 0.491 से बड़ा है. सो 5 भी हमारा सिग्निफिकेंट है. अब उसके बाद देखिए आप 4 यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू क्या है 4.66. ऑब्वियसली ये जो आपके मीन डिफरेंसेस हैं ये 4.66 से बड़े नहीं हैं तो हम यहाँ पर न्यू मैन्युअल टेस्ट छोड़ देंगे. यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा विल सी कि 5 का कौन से ट्रीटमेंट्स का डिफरेंस है. 5 इज़ ऑफ बी ट्रीटमेंट नंबर बी एंड ट्रीटमेंट नंबर ई. सो ट्रीटमेंट नंबर ई एंड बी इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट. सो हेंस न्यू मैन्युअल टेस्ट हैज़ रिवील्ड कि ट्रीटमेंट नंबर ई एंड सी के आपस में जो डिफरेंस है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी सिग्निफिकेंट एंड ट्रीटमेंट नंबर ई एंड बी का भी जो डिफरेंस ट्रीटमेंट मीन्स का है वो भी सिग्निफिकेंट है. आई होप सो दिस इज इट. सो आई होप द लेक्चर वॉज क्लियर टू यू. इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू कॉल मी. ऑल द वेरी बेस्ट.